रग्बी इंडिया आज ये आयोजन होता से मेन्स टीम और वुमेन्स टीम जाऊँगी एशिया ट्रॉफी पर जगारता को गला 40 दिन रूर ये कोचिंग कैंप होता साउथ आफ्रिकन कोचेस थे और एंटायर सपोर्ट स्टाफ ये ओडिशा तरफ आम पार्टनरशिप रखुचु रग्बी इंडिया सांगे आमर पिला भी अच्छा इंडिया टीम रे और आम भावुँ फ्यूचर रे भी ओडिशा पिला रग्बी टीम्स भल खेली पारे तो आम आशा करूँ कि ये जिते कि आसंत टूर्नामेंट्स अच्छी एतरे रग्बी इंडिया बहुत भल प्रदर्शन देखा एशिया स्तर ओडिशा झील मानकर तीन जन अच्छा टीम रे और मेन्स टीम रे ये फर्स्ट टाइम तंकर जेने भुवनेश्वर पिला से जॉइन करी ओडिशा मेन्स टीम रे एटा सब आम बहुत गर्वर कथा आगुरु मैंने या पूर्व फर्स्ट टाइम इंडिया पाई थी बट जेहेतु से टूर टा कैंसल हो गया तो आम जापरलु बट यहाँ मुझ फर्स्ट टाइम जाऊँगी होपफुली टीम इंडिया सब भल करे तो एथर आम चाहूँ कि प्रिपेरेसन एथर बहुत भल रही आग अपेक्षा तो आम चाहूँ कि एथर जमी मैंने इंडिया इंटरनेशनल लेवल गोल्ड पे हमें ट्राई करूँ कोचिंग और फॉर्मेट डिफरेंट पूरा अलग इंडिया रु आम जहाँ भावुल कि ना ये आम लेवल मैंने अच्छे बट तर सू आरंभ हो जिन तो सैड ट्रेनिंग व्रेनिंग जमी से आमको इनक्लूड कर देखा जाए जाऊँ साउथ आफ्रिका सहित मैच खेल टीम सहित मेन टीम सहित बहुत खुशी लगुच मतलब सीनियर टीम जो तीन जन किट पिला पाई तो बहुत खुशी लगुच कहीं जूनियर आज जूनियर अच्छा से फर्स्ट टाइम सीनियर खेल बहुत एक्साइटेड अच्छा मतलब लगुच बहुत भल भी मतलब चलो जर्नीटा तो आम समस्त बहुत खुशी अच्छा फर्स्ट थिंग तो मुझे कहबी कि किट ओडिशा गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देवे जो किट आमको जो देखा इनफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही भल था सबकि फैसिलिटी देन आम जो स्पॉन्सरशिप अच्छे ओडिशा गवर्नमेंट बहुत ही भल सपोर्ट करमक तो आम चाहूँ कि आहरी भल परफॉर्मेंस बहुत भल बढ़ेबू देन आम जो अच्छे ओडिशा जो तीन जन अच्छे तो आम चाहेबु कि यहाँ बहुत मैंने भल करवाई आम जो साउथ आफ्रिका कोचेस अच्छा कंटिन्यू तो तीन वर्ष होने अच्छा तो मुझे कंटिन्यू सीनियर टीम अच्छी तीन चार वर्ष होने मुझे खेलुँची तो से बहुत ही भल आ बहुत ही मतलब आमको बहुत हार्ड करोले आमको बट एथर टी आम जो सिलेक्शन प्रोसेसटा बहुत हार्ड ही था बहुत मतलब टी अप एंड डाउन था कहीं वर्षा वर्षा आम एत ठीक से कर पार्नु बट सेकेंड थिंग तो आम खिश्रे बहुत भल आम कोचिंग भी देते तो से आमको बहुत इजी भी होता कोचेस मैंने जो आम कहते तो जिनस को बहुत भले से हैंडल कर पार्लु देखिए ये पैंडेमिक के बाद ये पहला टूर्नामेंट है इस क्षेत्र में एशियन से क्षेत्र में जो रैंकिंग टूर्नामेंट है तो अगर हमारे सपने हैं ओलंपिक्स में जाने के लिए 2028 में तो हमें एशिया के टॉप टू और थ्री नेशंस में आना चाहिए राइट नाउ हमारे रैंकिंग्स हैं मेंस में 13 और वुमेन्स में 10 तो ये रैंकिंग को बढ़ाने के लिए ऐसे ही रैंकिंग टूर्नामेंट्स सबसे ज़रूरी है आशा है कि इन टूर्नामेंट्स के बाद हम टॉप 8 में ब्रेक इन करें अगले साल टॉप 8 से टॉप 5 में जाएं, उसके बाद टॉप 3 एंड फाइनली गेट टू द टॉप 2। तो ये पहला कदम है इस सीढ़ी पे और आशा करते हैं ये कदम सफल होगा। कोई कुछ नहीं कह सकता है खेल में, कभी कभार मौसम, कभी कभार एक ख़राब रेफरी, कभी कभार एक इंजरी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि इस बार द टीम फॉर द मेन्स rugby team and the women's rugby team that is leaving the shores of India is the strongest in history. Women's team or men's team dono mein is baar jo qabiliyat hai bilkul equal hai. Haan, hum apne women's team ko jo bhi hum sadhan, jo bhi hum facilities, jitna bhi paisa hum dete hain hamare men's team ko, exactly the same hum apne women's team ko dete hain, dete aaye hain, dete rahenge. In rugby we pride ourselves on being absolutely gender equal. बहुत से लोग पूछते हैं हमसे कि आप बार बार नेशनल कैंप्स भुवनेश्वर में क्यों रखते हो। हमारा जवाब है क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलते हैं। KIT जो हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर्स है ऑफ इंडियन रग्बी, उनके कैंपस पे हम हमारे नेशनल कैंप्स रखते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड रग्बी फील्ड मिलता है, डेडिकेटेड जिमनेजियम रग्बी प्लेयर्स के लिए मिलता है। अभिनव बिंद्रा टारगेटिंग परफॉर्मेंस सेंटर में हमारा रिहैब, जिसके साथ हम उड़ीसा स्टेट के साथ हमारा पार्टनरशिप है, वहाँ पे रिहैब रिकवरी एंड प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। हमें यहाँ पे स्विमिंग पूल्स, जिमनेजियम्स, खेलने के लिए सारे जो साधन हैं एक कैंपस में मिलना बहुत मुश्किल है।
यहाँ का खाना, यहाँ का रहन सहन हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत सही है और बहुत अच्छे साधन है। तो जनरली ये जो एक हमारे पास एक पार्टनरशिप बना है उड़ीसा स्टेट के साथ, जिनके बदौलत, जिनके माध्यम से हम अपने प्लेयर्स को इतिहास में पहली बार पैसे दे रहे हैं टू प्ले फॉर इंडिया, सेमी प्रोफेशनल बना रहे हैं, उड़ीसा स्टेट के साथ उनके प्रोत्साहन के साथ उनके सपोर्ट के साथ, एक तरफ KIT के सपोर्ट इस पूरे कैंप्स के लिए, दूसरी तरफ हमारे लिए ये इट मेक्स द मोस्ट सेंस फॉर रग्बी इंडिया टू हैव इट्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स इन भुवनेश्वर।